Hello my dear students and welcome back to Balaji online classes. I Rabia Khatun is here to teach you all science of class 6th. So let's start the third chapter as you have already got the videos of the illustration of first and the second chapter. The third chapter that is given in your book is fibers and cloth. So before starting this chapter I would like to ask you all a question that why do we wear clothes? ये question आप लोग class first, second onwards science में पढ़ते आ रहे हैं, learn करते आ रहे हैं कि that we wear clothes to protect us from heat, cold, rain, insect bite, germs, dust particles, etc. तो वही हमें यहाँ पर भी introduction में बोला गया है कि हम अपनी body को protect करने के लिए clothes wear करते हैं. Then comes the different types of cloth. जब आप एक शॉप पर जाते हैं, गारमेंट शॉप पर जाते हैं, तब आपको वहां पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स दिखते होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फैब्रिक का क्लॉथ मिलता है, आप बहुत सारे फैब्रिक्स देखते हैं. जैसे आपको वुलन का होता होगा, कॉटन है, सिल्क है, रेयन है, नायलॉन है, बहुत तरह के फाइबर्स फैब्रिक्स होते होंगे, बट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्या है. तो हम लोग बेसिकली वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. First of all, I would like to tell you कि basically there are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Name से ही पता चल रहा है, natural fibers वो fibers होंगे that we obtain from nature or that occur in nature. अब natural fibers भी two types के होते हैं, one from plant origin and second one from animal origin. Plant origin से जो हमें natural fibers मिलते हैं वो है cotton, jute, flax, ठीक. और जो एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं वो है वुल एंड सिल्क. ठीक, तो बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल. सो बेसिक द इम्पोर्टेंट फाइबर्स, द फर्स्ट वन इज कॉटन. कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन फैब्रिक जो होता है वो हमें कूल रखता है, दैट्स व्हाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. एंड कॉटन इज बेसिकली ग्रोन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. नाउ इट इज ऑल्सो ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ यूपी, पंजाब एंड हरियाणा. नेक्स्ट वन इज जूट. वी ऑब्टेन जूट फ्रॉम द जूट प्लांट. इट इज बेसिकली हार्वेस्टेड और कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, एंड दिस द कल्टिवेशन ऑफ जूट इज डन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. द थर्ड वन इज फ्लैक्स. फ्लैक्स ऑल्सो इज अ नेचुरल फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. प्लांट ओरिजिन से हमें मिलता है, फ्लैक्स का प्लांट होता है, फ्रॉम दैट ओनली वी गेट द फ्लैक्स फाइबर. द नेक्स्ट वन इज सिल्क. सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर है बट एनिमल ओरिजिन से मिलता है हमें. सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है. द रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक, नेक्स्ट वन इज वूल. वूल आप सबको पता है हमें कहां से मिलता है. हम लोग कहते हैं रेयरिंग ऑफ शीप गिव्स अस वूल. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वूल शीप से ही मिलता है. वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड और रेयरिंग ऑफ कैमल से भी होता है, याक है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है. बट बेसिक जो होता है, जो हम पढ़ते हैं, वो होता है कि वी गेट वूल फ्रॉम शीप. द नेक्स्ट वन इज हेम्प और कॉयर. इसी तरह के आपके बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं. फिर आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड दे आर मैनमेड फाइबर्स विच आर केमिकली मेड. मतलब वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं या वो हम नेचर से ऑब्टेन नहीं करते हैं, दैट आर मेड बाय मैन थ्रू सम केमिकल प्रोसेसेस. फिर आता है कि अगर हमें हमारे पास फाइबर हो गया तो हम उससे फैब्रिक कैसे बनाएंगे. फाइबर क्या होता है? इंग्रेडिएंट या मटेरियल होता है जिससे फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक एंड प्रोडक्ट होता है. तो जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है स्पिनिंग. स्पिनिंग कैसे की जाती है? आप सबने स्पिनिंग व्हील देखा होगा. आप लोगों को गांधी जी का फोटो याद होगा जिसमें वो स्पिनिंग व्हील के साथ अपने बैठे होते हैं. तो वो होता है स्पिनिंग व्हील जिससे थ्रेड्स का फॉर्मेशन होता है. तो स्पिनिंग बेसिकली स्पिनिंग व्हील से की जाती है या समटाइम्स इट इज डन मैनुअली ऑल्सो. नेक्स्ट हेडिंग इज वीविंग एंड निटिंग. निटिंग तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे. स्वेटर आप लोग देखते होंगे सर्दी में, आपकी दादी या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो लोग स्वेटर निट किया करते हैं, दैट इज कॉल्ड निटिंग. तो ये मैनुअली भी होता है, और लार्ज अगर स्केल पर हम करते हैं तो वो थ्रू मशीन्स भी होता है. सो बेसिकली द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज आर क्लॉथ्स हिस्टोरिकल रिव्यू. मतलब हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि एंशियंट टाइम से ही ये सारे फाइबर्स चले आ रहे हैं. अर्ली मैन, अगर आपको ध्यान हो पिक्चर, तो अर्ली मैन यूज टू कवर देयर बॉडी थ्रू लीव्स और थ्रू द स्किन ऑफ एनिमल्स.
ठीक उस टाइम पर वो नेचुरल फाइबर्स या वो सिंथेटिक फाइबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, बट धीरे धीरे विद द टाइम देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ फाइबर्स. कॉटन डेवलप हुआ, जूट डेवलप हुआ, पहले नेचुरल फाइबर्स डेवलप हुए, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स बने. तो बेसिकली डेवलपमेंट होता गया. ऐसा नहीं है कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ओनली वी यूज टू वेयर दीज टाइप ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स और दीज टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर्स और फैब्रिक्स. ठीक, एंड नाउ डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ. मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्टेट एक तरह की ड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन और अकॉर्डिंग टू द कल्चर. सो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. प्लीज डू रीड द चैप्टर एंड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट ऑन स्कूल मित्रा. प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड राइट इट इन योर साइंस कॉपीज. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर.